हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आइए जानते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किसे कंसिडर किया गया है या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है। तो मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, व्हेन द मैनेजर्स आर परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली व्हिच डिफाइंस द जॉब पोजीशन, द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉयज। इसमें कहा गया है कि जो मैनेजर्स हैं, जब भी वो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अपने आप क्रिएट हो जाता है, जिससे लोगों की जॉब, लोग मतलब वहाँ जितने काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जॉब पोजीशंस पता चल जाती हैं, उनकी अथॉरिटी पता चल जाती है। जॉब पोजीशंस डिफाइन होती है अथॉरिटी के बेसिस पे। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन। जिसके पास ज़्यादा पावर होगी वो सुपीरियर होगा, जिसके पास कम पावर होगी वो सबॉर्डिनेट होगा। और अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट अ टास्क और वर्क ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉयज। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, व्हेन द मैनेजर्स आर परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, जब मैनेजर्स ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अपने आप क्रिएट हो जाता है, जो जॉब पोजीशन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग एम्प्लॉयज की डिफाइन करता है। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज नेटवर्क ऑफ जॉब पोजिशंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज एट डिफरेंट लेवल्स। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो ये डिफाइन करता है कि जो भी नेटवर्क ऑफ जॉब पोजिशंस है, एक ऑर्गेनाइजेशन में एन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम करते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, सबकी जॉब पोजीशंस अलग है, सबकी अथॉरिटी अलग होती है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है, तो इसको कहते हैं नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशंस। रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में मैंने जस्ट अभी बताया कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट अ टास्क ऑफ वर्क, और अथॉरिटी का मतलब पावर टू टेक डिसीजंस। तो अलग अलग लोगों में अलग अलग लेवल्स पे लोगों की अथॉरिटी क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और जॉब पोजीशंस क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बताता है। द कंसिडरेशन केप्ट इन माइंड वाइल फ्रेमिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आर एज फॉलोज। जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसको बनाने के टाइम जो चार बातें ध्यान में रखनी चाहिए वो इस हिसाब से हैं। सबसे पहले बोला गया है जॉब डिजाइन। अब जॉब डिजाइन होता क्या है उसे जानते हैं कि इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस द टोटल वर्क इज डिवाइडेड इंटू वेरियस जॉब्स एंड द मैनेजर्स हैज टू गेट द जॉब्स डन फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारे जॉब्स होते हैं, तो हर जॉब के अंदर जो इंडिविजुअल है उसको उस जॉब के अंदर भी अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में क्या होता है कि टोटल काम को हम डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे जॉब्स में, और मैनेजर्स वो छोटे छोटे जॉब्स जो हैं हर एम्प्लॉयज से परफॉर्म कराते हैं। सो इट मस्ट बी स्पेसिफाइड वेरी क्लियरली वॉट ऑल एक्टिविटीज हैव टू बी परफॉर्म इन पर्टिकुलर जॉब। जैसे एक इंडिविजुअल है उसको एक जॉब मिला, तो उस जॉब के अंदर भी एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज होती है, उसको कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है ये जॉब डिस्क्रिप्शन में क्लियर हो जाता है। और जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब डिजाइन का रिटन फॉर्मेट होता है जो एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को प्रोवाइड कराता है। इसमें ये चीज भी क्लियर होती है कि वॉट ईच इंडिविजुअल हैज टू डू वाइल परफॉर्मिंग द जॉब। सो जॉब डिजाइनिंग मीन्स क्लियरली डिफाइनिंग द कंटेंट ऑफ जॉब as far as possible, expected results of job must be defined along with job. अब जब job design किया गया तो उसका result भी define किया जाता है। तो ये था job design। Second one is departmentation. Departmentation में कहा जाता है कि after division of work into jobs, the jobs are grouped together to form departments. While grouping the activities, the managers must keep in mind that only the related or similar jobs are grouped under one department, so that there can be specialization. The managers can have different ways of grouping the jobs which are related to each other. अब departmentation में बोला गया है कि departmentation में हम department बनाते हैं, जैसे finance department हो गया, marketing department हो गया, sales department, production department, purchase department, अलग अलग departments होते हैं। और जैसे मान लीजिए production department है या marketing department है, तो marketing department में जो भी job होगी वो हमेशा marketing से related होगी। तो जितने भी individuals marketing department में काम कर रहे हैं वो thoroughly marketing से related ही काम करेंगे और उसी में वो specialized होंगे। तो ये था departmentation, जहाँ पे हम jobs के basis के ऊपर departments create कर लेते हैं और हर एक मिलते जुलते job को हम एक निर्धारित department provide करा देते हैं।
अगला है स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल को सिंपल सी भाषा में कहते हैं कि एक मैनेजर अपने कितने सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल कर सकता है, मतलब एक जो सुपीरियर है, जो एक नॉर्मल मैनेजर है, उसके अंडर कितने लोग काम कर सकते हैं जिसे उस वो मैनेजर कंट्रोल कर सकता है। इसे हम कह सकते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल मीन्स हाउ मेनी एम्प्लॉयज और जॉब्स आर मैनेज्ड बाय वन मैनेजर और हाउ मेनी सबऑर्डिनेट्स आर अंडर वन सुपीरियर। तो ये था स्पैन ऑफ कंट्रोल। When the authority and responsibility relationship are established in organizing process, then the managers must keep in mind the span of control. तो ये था कि एक manager कितने employees या subordinates को manage कर सकता है, वो span of control था। Last one is delegation of authority. Delegation of authority का मतलब क्या होता है? Transfer of authority from superior to subordinate. तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी बिटवीन द मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। जनरली ये काम करवाने के लिए किया जाता है। जनरली वाइल गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स मैनेजर पासेस सम डिग्री और द पार्ट ऑफ देयर अथॉरिटी टू देयर सबऑर्डिनेट्स सो दैट दे कैन वर्क एज अ टीम एंड अचीव द ग्रुप गोल। दिस शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी हेल्प्स इन डिसाइडिंग द ग्रुप्स लीडर अमंग द सबऑर्डिनेट्स ऑल्सो। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, देखिए जो मैनेजर्स होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ मिलकर के काम करता है, सारा का मैनेजर खुद नहीं करता, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ मिलकर के करवाता है। तो मैनेजर क्या करता है, अपने सबऑर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब दिया तो उसके बाद उसके साथ साथ कुछ ना कुछ अथॉरिटी देगा। तो मैनेजर जब अपनी अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट के साथ शेयर करता है तो उसे हम कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ताकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो फुलफिल हो सके। और इसी में एक ग्रुप लीडर भी चूज कर लिया जाता है जितने भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं। ये था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे।